राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा से कौशल विकास प्रशिक्षित परिचालक संघर्ष समिति का 10 सदस्यीय शिष्टमंडल उनके पार्टी कार्यालय में अपनी मांगों के समर्थन में मिला। समिति के महासचिव रमेश ठाकुर ने सदस्यों के साथ मिलकर रविंद्र सिंह डोगरा को ज्ञापन सौंपा और सभी सदस्यों ने डोगरा को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह भी किया। रविंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि संघर्ष समिति के लिए पूर्व में उन्होंने कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ी थी, जिसके पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें स्थायी नीति बनाने और सभी प्रशिक्षु परिचालकों को नौकरी पर रखने का वादा किया था, लेकिन चुनावों के चलते हिमाचल के सभी लगभग 7,000 से ज्यादा बेरोजगार प्रशिक्षु चालकों को ठग लिया गया वोट के लिए। उसके बाद भाजपा सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने परिचालकों को स्थायी नीति बनाने का वादा किया, लेकिन वह भी पिछले 8 महीनों से लगातार प्रशिक्षु परिचालकों को मूर्ख ही बना रहे हैं। डोगरा ने बताया कि शिमला में अनशन पर बैठे हुए कुछ लोग आज उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सामने से निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी परिचालकों का हाल नहीं पूछा। यही कारण है कि समिति के लोगों का विश्वास भाजपा और कांग्रेस दोनों से उठ गया है और वह अब चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प को चुना जाए। इसीलिए उन्होंने हमीरपुर लोकसभा से रविन्द्र सिंह डोगरा को उम्मीदवार बनाने और डोगरा को जिताने के लिए हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, चंबा, बिलासपुर के सभी प्रशिक्षु परिचालकों को कहा है। डोगरा का कहना है कि जयराम सरकार शायद भूल गई है कि पिछली सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षु परिचालकों के साथ जो धोखा किया है, उसके बाद कांग्रेस सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी और अब आने वाले चुनावों में भाजपा की बारी है। प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए डोगरा ने कहा कि वे उन्हें शंकर सिंह की तरह समझने की भूल न करें, जो अपने फायदे के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को छोड़कर भाजपा में जा मिले। डोगरा ने कहा कि उनके साथ केवल अस्थायी या प्रशिक्षु चालक या चालक नहीं बल्कि पक्के परिचालक और चालक भी हैं। यदि सबने मिलकर अपने हक की आवाज उठा दी और चक्का जाम कर दिया तो सरकार को गिरने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके स्थायी नीति प्रशिक्षु परिचालकों के संदर्भ में बनाएं। यदि सरकार के पास नीति बनाने की सूझबूझ नहीं है तो हमें बताएं, हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के अंतर्गत कौशल विकास भत्ते के प्रशिक्षु परिचालक जो कि पिछले 3 वर्षों से धक्के खा रहे हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल सभी जिलों का मेरे से आके मेरे कार्यालय में मिला था और उनकी ये मांग थी कि आगामी लोकसभा के अंदर मुझे चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि जयराम सरकार से भी वो हताश हो चुके हैं, जैसा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने उनको हताश किया था। इस संदर्भ में उनकी मांगों के लिए हमने आवाज उठानी थी आगामी 23 तारीख को हमीरपुर जिले से, लेकिन वर्षा के चलते और किन्हीं अन्य कारणों की वजह से इस कार्यक्रम को 2-4 दिन के लिए स्थगित कर दिया है क्योंकि परिचालक प्रशिक्षु संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों का यह कहना है कि इतनी जल्दी चंबा, कुल्लू, मनाली, सिरमौर आदि जिलों से कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाएंगे तो उनको थोड़ा समय चाहिए। तो हमने 23 अगस्त का जो हमीरपुर से महाअभियान शुरू करना था उसको हम 28 तारीख के बाद शुरू करेंगे और जयराम सरकार को बताएंगे कि प्रशिक्षु परिचालकों के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है।